Hello everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to Detest Book. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बस कंफर्मेशन देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बस कंफर्मेशन दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone, guys? जल्दी फटाफट सब लोग बताएंगे यार. जल्दी फटाफट fast. Good evening Rahul. क्या बात है. गुड इवनिंग एलन मस्क, गुड इवनिंग अपूर, गुड इवनिंग राजेश्वरी, गुड इवनिंग केविन. चलिए, सो गाइस आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मैं लेके आया हूँ. हाँ, ये गुड न्यूज ऐसी नहीं है कि है ना, जैसे आप लोग बोलते हो है ना, आप लोग हमेशा ना आज की डेट में ना आप लोग बड़े अच्छे से, इंडिया के काफी सारी जनता ऐसी है जो गुड न्यूज यही मानती है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ना इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए ना, कि हमारा पूरा का पूरा गाँव ही सिलेक्ट हो जाए. तो एक्चुअली ऐसा नहीं है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े हार्ड वर्किंग होते हैं. टैलेंटेड नहीं बोलना चाहिए, हार्ड वर्किंग बोलना चाहिए. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बट उनके मन में एक चीज और रहती है कहीं कभी कभी, यार इस तरीके की जॉब में मुझे जाना है या इस तरीके का वर्क मुझे लाइफ में करना है, ऐसा रहता है उनके मन. नो डाउट जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि यार, एक तो ये रहता ही रहता है कि यार कोई भी जॉब अभी लग जाए राइट नाउ, इंपॉर्टेंट एक जॉब सेटलमेंट होगा, बाद में सोचेंगे कि एक्चुअल में कहाँ जाना था. तो एक तो ये रहता ही रहता है, बट बैकएंड पे एक और रहता रहता है कि यार उसमें जाने की एक अलग ही मजा है, उसमें जाना ही है. ऐसी चीजें चलती रहती है बैकएंड पे. तो यार उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा नोटिस में लेके आया हूँ आज. और ये गाइस नोटिस है हमारा, एक बहुत अच्छा पब्लिक सेक्टर है जिसको हम लोग है ना मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर बोलते हैं. आपको पता ही है मिनी रत्न होता है, नवरत्न होता है, महारत्न होता है, ये सब पब्लिक सेक्टर्स होते हैं इंडिया के, ठीक है, पीएससीज होते हैं. तो ये मिनी रत्न वन की कैटेगरी में आता है और ये एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है. किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में. और इस पब्लिक सेक्टर का नाम है BDL, दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड. गाइस भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है. और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जो भी बच्चा मैकेनिकल का है, मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 12 है, और इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, मैं आपको बताता जाता हूँ, और मेटलर्जी ब्रांच के लिए 2 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 है, ऑप्टिक्स किया है किसी ने फिजिक्स में तो 1 है, बिजनेस डेवलपमेंट 1 है, फाइनेंस 3 है, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट HR जो कि MBA. तो ये 3 तो लास्ट MBA वाले. तो टोटल करते करते 37 पोस्ट आप लोगों के लिए निकली है. क्लियर? अब एक बच्चा बोलेगा अरे सर 2-3 वैकेंसी क्या है पढ़ूंगा. मैंने क्या बोला था पहली लाइन में, मैंने बोली थी कि कुछ बच्चों की ऐसी टेंडेंसी होती है, उनका मन होता है कि यार हमें डिफेंस में भी थोड़ा सा देखना है, डिफेंस की हमें इच्छाएं होती हैं, डिफेंस के वर्क में हमें काम करना होता है इंडियन गवर्नमेंट के. किसी का ऐसा होता है जैसे रिसर्च फील्ड में जाना होता है, जैसे जैसे DRDO हो गया, ISRO हो गया. तो ऐसी मन की साइकोलॉजी होती है. तो मैं यही बोलूंगा कि एक बहुत अच्छी जॉब है गाइस ये. और आपको भी पता है यार कि जब किसी जॉब के जो सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा होता है ना, तो आपको जैसा देख रहा होगा यहाँ का बेटा CTC जब आप एब्जॉर्ब करते हो ना तो वही 10.52 लाख रुपीज है पर ईयर. तो CTC आपका 10.52 लाख है और ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है ग्रेड 2, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ वैकेंसी ऐसी हजारों में तो नहीं हो जाएंगी, बिकॉज यहाँ पे कोई सैलरी आपको 30-40,000 तो दे नहीं रहा है ना. तो अच्छी खासी वैकेंसीज है, ये मुझे मैं आपको बताता था. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये गेट के थ्रू नहीं है, ये विदाउट गेट एग्जाम है. जैसे बहुत बच्चों की एक मंशाएं होती है कि सर ये जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं, तो बट मैं आपको बता दूंगा BDL इज विदाउट गेट. BDL इज गाइस विदाउट गेट. तो ये विदाउट गेट है, इसका अपना खुद का एग्जाम होगा. एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम इसका पहले भी हो चुका है गाइस, है ना. तो आपको हमेशा एग्जाम पैटर्न इसका 150 मार्क्स का रहा है ना. 150 मार्क्स का इसका एग्जाम पैटर्न पहले भी रह चुका है, जहां पे आपका 100 मार्क्स जो रहता है आपका वो डिसिप्लिन का रहता है, आपका है ना आपकी ब्रांच का टेक्निकल का पार्ट रहता है जिसको आप लोग टेक बोलते हो, है ना. और 50 मार्क्स आपका जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड होता है. क्या होता है? जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस नहीं, जनरल एप्टीट्यूड होता है. तो ये हमेशा रहा है, ठीक है. तो यही मैं आपको बोलूंगा. कुछ बच्चे बोल रहे हैं SSC JEE की न्यूज, भाई साहब ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे अजय कुमार सक्सेना जी ऐसी कोई न्यूज नहीं मिली SSC JEE की. यहाँ पे कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे कुछ भी नहीं मिला है ना. एक बच्चा उनसे पूछा था सर वैकेंसी डिक्लेयर हो गई, तो मैंने यही बोला यार मुझे तो कोई दिखी नहीं है, यहाँ पे कोई ऑफिशियली तो आई नहीं है ना. तो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है. टेंटेटिव वैकेंसी वाला कैंडिडेट्स कॉर्नर के अंदर आता है, वहां पे आता है जब पता चल जाता है कि कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है. चलिए, तो गाइस ये आपके पास सारी चीजें हैं. तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें, है ना. और सारी चीजें तो आपके पास रहेंगी, अपनी प्रिपरेशन करते रहो. इस तरीके की जो भी न्यूज होती रहेंगी उनको हम लोग डेफिनेटली आपके लिए लेके आते रहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी को पता है गाइस
टेक्स्ट बुक का वन एंड ओनली एक बेहतरीन चीज आपके सामने अवेलेबल है, उसको हम लोग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बोलते हैं। आप लोग सभी लोग मेरी वीडियो को भी राइट नाउ देख रहे होंगे, जैसे ही आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो तो इंडिया का कोई भी एग्जाम हो एजेई का, आप अगर सिविल ब्रांच से हो तो एजेई सुपर कोचिंग, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी एई के अंदर ही आता है, एजेई इलेक्ट्रिकल, एजेई मैकेनिकल, डीआरडीओ, सेप्टम, सारे एग्जाम के लिए आपके पास चीजें अवेलेबल है। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच ओपन करते हो तो आपको सारी चीजें मिल जाती है इन सिंगल सब्सक्रिप्शन। क्या मिल जाता है दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो बेटा टेक्स्ट बुक के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि मेरा आपको पर्सनली पूरा का पूरा बैच यहां पे प्रोवाइड किया जाता है, टेक्स्ट बुक के एक्सपर्ट्स का, मेरा खुद का बैच, जो आप लोगों की नीड है कि यार इंडिया के लाखों बच्चे जिस बैच में अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, उस बैच को प्रोवाइड कर दो सर, तो मेरा बैच अब आपको यहीं पे प्रोवाइड मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टीचर जैसे निम्बस लर्निंग, ईएडी देहरादून, इंजीनियर्स एकेडमी, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट, ये सब टीचर्स भी, ये सारे इंस्टीट्यूट भी अब आपके साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर है और उनका कॉन्टेंट भी आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है बिना किसी एक्सटर्नल कॉस्ट के, बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। प्लस आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे चलती रहती है, जैसे अभी एसएससी जेई के एग्जाम के लिए चल रही है, डाउट रिवीजन सेशन चलते रहते हैं, पीवाईक्यू सेशन चलते रहते हैं, रेगुलर चलते हैं, करंट अफेयर्स रेगुलर सेशन चलता है, सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाती है गाइस, जैसे एनएचपीसी, बीएचएल, एवरी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और इसका प्राइस आपको जो एजेई का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन होता है उसका प्राइस आपका 12 मंथ का सिर्फ 8,000 रुपीज होता है, लेकिन इसमें भी अगर आप मोहित के कूपन कोड लगाओगे, मोहित के टेस्ट बुक का यूनिवर्सल कोड है, सब जगह एप्लीकेबल होता है, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, सभी जगह आप लगा सकते हो, गेट, एसी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप जैसे मोहित के लगाओगे तो 5,000 रुपीज के अंदर 12 मंथ में अंदर ये सब चीजें मिल जाएंगी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस हम लोग और अपडेट्स को लेके आते रहेंगे, इसी तरीके से हम लोग और अपडेट्स को आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे बढ़िया तरीके से, और जब इसी तरीके से हम लोग और अपडेट्स को लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए 5394 के अंदर, तो सारे अपडेट्स हम लोग बढ़िया तरीके से आपके लिए लेके आते रहेंगे और मस्त तरीके से आप लोगों की चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, चल बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।